हर हर महादेव। भगवान शिव और पार्वती की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। इस अध्याय में आप सुनेंगे श्रावण मास में त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन। इसे सुनने के लिए हमसे अंत तक जुड़े रहें। यदि आपने हमारे पहले के अध्यायों को अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर उन अध्यायों को देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि भगवान शिव की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे। तो बोलो हर हर महादेव। आइए शुरू करते हैं 20वां अध्याय। भगवान शिव बोले, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कोसुम तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार से भी सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों एवं पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबुल अर्पित करना चाहिए। तांबुल में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, नारियल के बीज, छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के पत्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण, पके हुए पुराने दृढ़ तथा रस में तांबुल शंबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निरांजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें। मैं उन नामों को कहता हूँ। समस्त उपमानों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युमन, मीन केतन, कंदर्पक, अनग, मनमथ, मार, शशकेतु, मनोभव, कामात्म संभूत, कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वक्ष स्थल आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है, हे पुष्प धनवंत, हे शंबरासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपति, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे स्मर, हे सुंदर देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आज आप शिवजी के द्वारा दग्ध हो गए। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में बसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से च्युत होने की शंका में वह तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला दूसरा कौन है जो शिवजी से विरोध कर सकता है? पर ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मलयगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अगरु से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। हे शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण, जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पनवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान निष्फल ना होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्मस्थल का छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान शोभ करने वाला और अपने तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से ही शोभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो, आप में सभी श्रेष्ठ देवताओं के उपहास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से कामासक्त हो गए। विष्णु जी वृंदा में अनुरुक्त कहे गए हैं और शिव जी पर स्त्री के कलंक के कारण अस्पृश्य हो गए। हे मानद,
यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है। अधिक कहने से क्या लाभ, इस लोक में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले हैं, अतः हे भगवन इसकी कही गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा प्राप्त करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषयासक्त व्यक्ति को अत्याधिक पराक्रम तथा शक्ति प्रदान करते हैं और निर्वृत्ति मार्ग में संलग्न व्यक्ति में अपने विकार को हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया है, अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुने। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा है, वह यदि उस दिन ना किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्रक धारण कराएं। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु की पवित्रक विधि के ही समान है, केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शैव, आगम तथा जाबाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प से इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 38 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिवजी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देने चाहिए। विधि पहले बताई गई है, फल आदि भी पहले बताए जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक को प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने ये सब आपसे कह दिया है, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे के अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे व हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।